तो गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी वाले, तुम लोगों को इस स्नाइपर के अंदर जो है एक इनबिल्ट एम बॉट हैक दिया है, यानी कि तुम लोगों को एक्चुअली में हैक लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन भाई इस बार तो खुद कॉल ऑफ ड्यूटी वाले तुमको जो है इस गन के अंदर एम बॉट हैक लगा के दिया है। मतलब एनिमीज के आसपास कहीं पर भी भाई स्कोप खोल के शूट कर दो, वो बंदा इजिली मर जाएगा। अब यार ये वीडियो कोई भी क्लिकबेट नहीं है, वो मैं तुम लोगों को ऐसे दिखाता हूं। तो यहां पर जो है सामने से एक बंदा आता रहता है, इसको मैं इजिली उड़ा देता हूं। दूसरा बंदा भाई कार के एक छोटे से छेद के अंदर से दूसरे बंदे को मार दूंगा। और यहां पर तीसरा बंदा, वो बंदा लिटरली स्लाइड करके जाता रहता है और उसको भी तुम्हारा भाई इजिली उड़ा देता है। और इसके ठीक बाद ही मैं तो यहाँ पर देखना कितना प्यारा 1v2 मारूंगा। सबसे पहले तो एक बंदा जो है चुपचाप से बाहर आ जाएगा, जिसको मैं भी प्यार से मार देता हूँ। देन दूसरा बंदा आएगा साइड से, जिसका पहला शॉट मिस हो जाएगा, लेकिन दूसरा शॉट परफेक्टली कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये मनुष्य बीच में आ जाता है। वही दूसरे गेम में तो घुसते ही में तबाही मचा जाएगा। सबसे पहले सामने से जो एक बंदा आ जाता है, जिसको कि मैं इजीली क्विक स्कोप से उड़ा देता हूँ। एक बंदा जो है मेरे नीचे खड़ा था, जिसको कि इजीली मार देता हूँ। दूसरा बंदा हार्ड पॉइंट में जाने की कोशिश करता है, जिसको कि मैं घुसने तक। और एक गलत फहमी तो बिल्कुल भी मत रखना कि ये बाकी स्नाइपर्स की तरह तुम्हें कुत्ते से बचा ले, भाई कुत्ता तुम्हें इजीली खा जाएगा। और भाई अब आएगा इस गेम का सबसे खतरनाक पार्ट, जहाँ पर मैं अपनी स्किल पूरी तरीके से दिखाऊंगा। सबसे पहले एक बंदा यहाँ पर खड़ा रहता है, जिसको कि तुम्हारा भाई इजीली उड़ा देता है। देन दूसरा बंदा यहाँ पर कैंप करता है, तो ये गया अपना दूसरा किल। इसी के साथ ये थर्ड और ये फोर्थ किल, भाई मैं कितना बढ़िया खेलता हूँ। यहाँ पर जो है पांचवा बंदा रहेगा, जिसको कि और बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, मूवमेंट दे ले नूबड़े, एम बॉट है मेरे पास। और यहाँ पर देखो भाई सिंगल हैंडेडली एम बॉट को ज़्यादा ही बोलते हैं आज मैंने, एम बॉट भी खुश हो गया होगा, पहली बार किसी ने इतनी इज्जत दी है। यहाँ पर सिंगल हैंडेडली देखो हार्ड पॉइंट को कितनी देर तक रोक के रखूंगा मैं, अंदर जाने से फट जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं था। चुपचाप से शौकार से निकाल के इस बंदे को भी उड़ा देता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा पीटने के बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे दूसरे गेम में। और इस गेम में भी आते ही तुम्हारा भाई तबाही मचा देता है। यहाँ पर देखो कितना प्यार से मैं इस कैंपर को उड़ा देता हूँ। भाई कैंपर को तो ढूंढ ढूंढ के मारता हूँ मैं, वो अलग बात है कि वो ट्रिप पॉइंट से उड़ा देते हैं, इसलिए मैं अंदर जाता ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर पीछे से घूम के जाऊँगा, सामने से दो तीन बंदे आते रहेंगे, जिसके अंदर कि एक बंदे को स्लाइड करेगा, उससे शॉट मिस हुआ, देन उसी बंदे पर अच्छा खासा शॉट कनेक्ट हो जाता है। देन वापस से मैं इस साइड मुड़ूंगा, एक लड़की मुझे मारने आती है, इसको भी तुम्हारा भाई इजिली उड़ा देता है। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा घुमाएगा, लेकिन बाद में ये भी मर जाएगा। देखना भाई इसको तो मैं क्या प्यारा शॉट मारूंगा, ये मैं उचका और ये। तो भाई फर्स्ट राउंड में थोड़ी देर के लिए एफके क्या चला गया, इनने हमको हरा के मैप पे कंट्रोल ले लिया। तो भाई इनको जो है वापस से बताना पड़ेगा कि इस गेम में भाई एक बंदा एम बॉट के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पर देखो भाई आते ही जो है सेकंड राउंड में इनकी जो है पिटाई मैंने अच्छे से चालू कर दी थी। एक बंदा ये गया, दूसरा बंदा ही भाग के जाती है, जिसको कि उड़ा देता हूँ। तीसरा बंदा जो है बी लेने जाता है, लेकिन उसको जो है टीममेट कार फोड़ के मार देते। एक बंदा मेरे को आते हुए दिख जाता है, जिसको कि मैं ईजिली हेडशॉट मार देता हूँ। और सामने से एक बंदा आ जाता है, जिसको कि तुम्हारा भाई ईजिली मार देता हूँ। भाई देखते जाओ यहाँ पर जो है मैं क्या ही 1v4 क्लच मारने वाला हूँ। सबसे पहले एक बंदा यहाँ से आता है, जिससे कि जो है मेरा शॉट मिस हो जाता है, लेकिन एक बंदा यहाँ पर आता है, जिसको कि मैं इजीली मार देता हूँ। दूसरा बंदा यहाँ खड़ा रहता है, जिसको कि उचकती मार देता हूँ। तीसरा बंदा बी लेता रहता है और चौथा बंदा भी बी लेता रहता है, जिससे कि एक शॉट मिस होता है, दूसरे शॉट में मर जाता है और ये 1v5 क्लच गांड में गोली मारता है। भाई मैं लिख के ले रहा हूँ, खुद को थोड़ी दूंगा भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो जो बंदा था ना, वो वही था जिसने लास्ट गेम में मेरी 1v5 क्लच रोक दी। भाई एम बॉट का यूज़ कर रहा हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वालों की ऐसी जल रही है, बार बार 1v5 क्लच रुकवा रहे हैं यार मेरा। उनको पता चल जाएगा ये 1v5 क्लच मारेगा, फिर मॉन्टाज में डालेगा, यूट्यूब पे फेमस हो जाएगा और हम तो फेमस हो ही नहीं पाएंगे। और भाई ये देखो इस गन का एम बॉट कुछ ऐसे काम करता है, सामने एक बंदा रहता है, जिसके कि मैं स्कोप खोलता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे दूसरा बंदा कूद जाता है और मेरा स्कोप उस पर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और मैं उस बंदे को हेडशॉट मार देता हूँ। और भाई घर के अंदर मैं जाते ही रहता हूँ कि तब भाई ये गेम मुझे हार्ट अटैक दे के रहेगा। भाई किसी दिन अगर ऐसा कुछ होता भी है ना, तो तुम लोग सबको बता देना कि इस गेम की वजह से हुआ है। और भाई मुझे को सच्ची में लगता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वाले ने जो है इस गन की बुलेट्स के अंदर चुंबक लगा के दे दिए। मतलब कि यार मैं ऐसा नहीं कहूँगा हवा में कहीं पर भी गोली चला दो वो बंदा मर जाएगा, अगर तुम लोग बंदे के आसपास भी चलाओगे तो स्नाइपर ऐसी है कि 90% से ज़्यादा बार जो है मतलब 90% चांसेस यही कि वो बंदे के लग जाएगी और वो बंदा जो है ईजिली मर जाएगा। 10वीं बार तुम लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि इस स्नाइपर को ट्राई करो, तुमको अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि यार जो है मेरे शॉट जो है ऑटोमेटिकली बंदे के ऊपर कनेक्ट हो जा रहे हैं, चाहे मैं थोड़ा सा इधर उधर भी कर दूँ स्कोप को फिर भी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यार फिर भी ट्राई करते ना, काफ़ी बढ़िया स्नाइपर है, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी और काफी ज्यादा अंडररेटेड भी है। और बाकी मिलते हैं कुछ धमाकेदार वीडियो में। सब्सक्राइब करने का बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, तुम लोगों को वीडियो को भी लाइक करना है। मिलते हैं कुछ धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।